सृज्यावमकन पापवत्सो भावे कर्मधारये। सृज्यावमकन पापवत्सो भावे कर्मधारये। सृज्यावमकन पापवत्सो भावे कर्मधारये। सृज्यावमकन पापवत्सो भावे कर्मधारये। सृज्या और कन जो है स्थान निर्देश करते हुए करे इति आदेश वालों को अवम शब्द पापवाचिनी चौत्र पदे भाववाचिनी पूर्व पदम प्रकृत्या स्यात्। पूर्व पद का स्वर को प्रकृति स्वर हो जाएगा। कब? जब पूर्व पद भाववाच्य होनी चाहिए, मैंने भावार्थ में प्रत्यय ल्युट हो गए भावार्थ वाला वो होनी चाहिए। भाववाच्य पूर्व पद की प्रकृति स्वर कब? श्रचकन इत्यादेशवती अवम शब्दे पापवाचिनी च उत्तर पदे। पर में क्या होना चाहिए? कहते श्र जा या कन हुआ है ऐसा जो श्र ज कन इत्यादेशवती आदेश हुआ हो जिनको और अवम पद हो पापवाचिनी उत्तर पदे। श्र ज ये तो आदेश हो जाता है प्रशस्य श्र ज च और कन भी होता है युवाल्पयो कन अन्यत्र स्याम सुसकन होता है। तो जहाँ ये आदेश हुआ हो तीन सृज कन इति आदेशवती अथवा अवम शब्द पापवाचिनी उत्तर पद है अवम शब्द पापवाची उत्तर पद में हो अलग लो मैंने सृ आदेश होनी चाहिए ज आदेश होना चाहिए कन प्रत्यय आदेश वाला होना चाहिए और अवम पद हो बीच में डाल दिया ना सृज तो आदेश हो गया कन तो युवाल सेवन कन हो गया बीच में अवम प्रातिपदिक रख दिया इसलिए इसका लगता है आदेशों का स्थानीय अवम है अवम सर्वान्वयी हो जाएगा द्वंद्व मध्य में श्रूयमान यानी ऐसा नहीं है। दो श्र और ज तो आदेश होता है प्रशस्य के स्थान में प्रशस्य से श्र सूत्र है और ज च ये दो सूत्रों से आदेश होता है और युवाल पर कन अन्य दृश्यम सूत्र है और इति आदेशवती ये सब आदेश वाले हों और अवम शब्द अथवा अवम शब्द पापवाचिनी उत्तर पद पापवत्सु तो श्रेय ज कनित आदेशवती एक मैंने तीन हो गया ये अवम शब्दे चा पापवाचिनी चा इसे च अंत में दिया उत्तर पदे भाववाचिनी पूर्व पद हो ये सब उत्तर पद हो और पूर्व पद भाववाच्य हो तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाता है। गमन श्रेष्ठम स्थान के प्रति हुए यह प्रशस्य को श्रादेश हो गया गमन ज्याय यहाँ विज्ञ आदेश हुआ और गमनावम अवम यथावत है ये गमन कनिष्ठम युवक को कन आदेश हो गया तो कनिष्ठा बना स्थान के प्रति हुए युवक को अत्वाल्प को भी होता है कनिष्ठ शब्द और गमन पापिष्ठम गमना पापिष्ठन मतुर्लुक उदाहरण नपुस के भावे त हुआ है ल्युट चैत्य भावे ल्युट हुआ तदंतानी एतानी पूर्व पदानी डिस्वर्ण आदि दातानी इन सभी जगहों में जो ल्युट प्रत्यांत भाव में हुआ है समझो गमन शब्द गमन श्रेष्ठम गमन जय गमनावम गमन कष्ठम गमन पापिष्ठम सब जगह गमन शब्द ल्युट प्रत्यांतों भी नपुस भावे थ के जगह पर हुआ है लुट च दिया सूत्र नीचे तीन तीन 115 ये भाव में लुट हुआ। कहे श्रेय इत्यादि किम गमन शोभनम उत्तर पद में श्रेयादि पांच में से कोई नहीं है पूर्व पद भाव में होना चाहिए क्यों कहते हो गम्यते अनेनिति गमनम या कर्ण में यानी कर्ण श्रेय गमन श्रेय गमनम श्रेय इति गमन श्रेय यहाँ जो प्रकृति भाव नहीं होगा समस्त पद का अंतोदात हो जाएगा समासांत से केति किम षष्ठी समासे मा भूत कर्मधारे क्यों का केत मन कर्मधारे कर्मधारे यदि किम षष्ठी समास में न होवे और यहाँ कर्मधार समास ही इष्ट है उसी में करना है। कुमारश्च कुमार प्रत्यवचना चब्य कर्मधारे कर्मधार समास किया गया हो कुमार शब्द के साथ में तब कुमार जो पूर्व पद है
वो सब प्रकृत हो जाएगा। स्मरो कुमार श्रमणा, कुमार शब्द अंतोदात्य अंतोदात्य रह जाएगा, प्रकृत हो जाएगा। कुमारी श्रमणा इति कुमार श्रमणा, कुमार श्रमणादि भी एक सूत्र है, उसे समास होता है। लिंग्विस्ट परिभाषा के आधार पर कुमार शब्द के समास होने के बाद उसका पुंभद्भाव हो गया। सूत्र तो कुमार से करने को कहा है, तो लिंग्विस्ट परिभाषा से हम कुमारी के साथ भी समास कर लेंगे, श्रमणा स्त्रीलिंग है, कुमारी श्रमणा। वहाँ कुमारी को पुंभद्भाव का कुमार बना और उसका पूर्व पद है वो, उसे प्रकृत हो जाएगा स्वर, अंतोदात्ति रह जाएगा। आदि प्रत्येनसी, आदि प्रत्येनसी, आदि ही प्रत्येनसी, आदि प्रत्येनसी, आदि सृष्टि के एक वचन अर्थ में प्रथमा है, प्रत्येनसी सप्तमी के एक वचन है। कुमारस्य आदिरुदात्तस्य, कुमार शब्द पहले से अंतोदात था, उसके सूत्र क्या कर देगा, आदिदात कर देगा। कब, प्रत्येनसी परे, प्रत्येनस यह प्रातिपदिक परते हुए और वह भी कर्मधार समास के विषय में कर दिया। प्रतिगतम एनो असीति प्रत्येनाहा, प्रतिगत हो गया है पाप जिसका, मैंने नष्ट हो गया है, ऐसा है पाप जिसका, उस व्यक्ति को कहेंगे प्रत्येनाहा। और ऐसे कौन है, वो कुमार है, कुमारश्च सौ प्रत्येना प्रत्येनश्च इति कुमार प्रत्येनाहा। कर्मधार समास कर दिया तो कुमार पद को प्राप्त पूर्व प्रवेशों के अनुसार अंतोदात को बाद करके आदिदात कर दिया। पूगेश्वन्यतरस्याम, पूगेश्वन्यतरस्याम, पूगेशु सत्विक एक वचन, अन्यतरस्याम सत्विक एक वचन, अथवा विभक्ति प्रतुर्गवे अन्यतरस्याम। पूगामने गणा तेषु उक्तम वा स्यात्, गणवाचक पद उत्तर पद में रहेगा, तेषु उक्तम, उक्तम ने कुमार पद जो आदिदात कहा गया पूर्व सूत्र से, वह आदिदात त्रुपक कार्य हो जाएगा। गणवाचिनी उत्तर पदे कर्मदारे समास कृते सति कुमार से आदिरुदात्तो वा स्यात्, विकल्प से आदिदात हो जाएगा। कुमार चातकाः, चालक नहीं चातका, चातका ठीक है, नीचे ठीक छपा है, देखो कुमार चातकाः, कुमार जीमूताः, आदिदातत्व भावे पूर्व सूत्र जो गया उसे कुमार चैत्येव भवति, मैंने प्रकृत हो जाएगा अंतोदात रह जाएगा। इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु द्विगौ, इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु द्विगौ, शरावेशु तक सप्तमी के वचन, द्विगौ सप्तमी के एक वचन। येषु परेषु पूर्वं प्रकृत्यास्य द्विगौ समास है, इनके पर में रहते हुए इगंत हो काल कपाल भगाल, काल से कालवाचक भी लेंगे और भगाल शराव, इनके उत्तर पद में रहते हुए कृत दु समास पूर्व पद का प्रकृत स्वर हो जाएगा। पंचारत्नयः प्रमाणम्भस्य इति पंचारत्निः, अरत्नि शब्द इगंत है, इगंत का दृष्टान दिया, पंच अरत्निया है प्रमाण जिसका, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई यह पांच अरत्नि के बराबर है जिसका, उसको कहते हैं पंचारत्निः। इगंत उत्तर पद में से पंचन्य है और पंचन नित्स्वर ही होता है ना, वो सब पंचन सप्तन अष्टन ये सब नित्स्वर, अष्टन को छोड़ के नवन को नित्स्वर माना गया, आदिदात रहेगा। दशम मासान भूतो इति दशमास्यः, कालवाची है, दशम मासान भूत दस महीने बीत गए जिसका, उस बालक को कहेंगे दशमास्यः। पंचमासान भूत इति पंचमास्यः, उतने समय बीत गए अर्थ में लेना पड़े ना, क्या सूत्र है वो, तम अधिष्ट इत्यधिकारे द्विगौर यप, तम अधिष्ट भृतो भूतो भावी, पांच एक उनहत्तर का है, उसके अंदर द्विगौर यप यत नहीं, देखो यप प्रत्यय हुआ, यप का यह है, भ संज्ञा होगी अच्छी बम, भ संज्ञा होने से मासक को मास अलंत आदेश हो जाता है। तम अधिष्ट भृतो भूतो भावी इत्यधिकारे द्विगौर यप से यप हुआ,
उस अधिकार में। 5:82 का है। पंच कपाल पंचसु कपालेशु संस्कृत, इस अर्थ में पंच कपाल, पंच कपाल पंचसु भगालेशु संस्कृत इति पंच भगाल, पंच शरावेशु उद्धृत इति इस विग्रहवाक्य से पंच कपाल पंच भगाल और पंच शरावा बने का पूर्व पद प्रकृत स्वर कर देता है। फिट स्वर सिंद्र संख्याया इति पंचन शब्द आदुदात्त ऐसे प्रकृत भाव से आदुदात्त ही रहेगा। यदि पंचन शब्द आदुदात्त इगंतादिशु परेशु किम, इगंतादि के प्रत्यय क्यों कहा, पंचाश्व अदंत है इसे यहाँ नहीं होगा। द्विगौ किम परमारत्नी कर्मधारे है इसे यहाँ भी नहीं हुआ। बहुवन्यतरस्याम बहु अन्यतरस्याम बहु शब्द प्रथम एक वचनांत है, अन्यतरस्याम जो है विभक्ति प्रतिरूप अव्यय है। बहु शब्द तथा वास्यात बहु शब्द पूर्व में प्रयोग हुआ हो पूर्व पद के रूप में तथा मने उसका स्वर प्रकृत हो जाएगा विकल्प से। बहुवरत्नी बहुमास्य बहु कपाल बहु शब्द अंतोदात्ता तस्य यणि सति उदात्त श्रुति भवति, उसका यण होने पर बहु को यण कहाँ हुआ यहाँ बहुवर्तनी में यण हुआ, हाँ वाह सूत्र लग जाए उदात्त स्वरतेर यण, हाँ उसके आधार पर जो है पर वाला भी उदात्त हो जाएगा। उसे बहुव में व के आकार भी उदात्त रहेगा यण होने के बाद भी, उसके लिए दृष्टांत दिया है। दिष्टिवितस्त्यो सप्तमी का द्विवचन और च अप्य एतयो परतः पूर्व पद प्रकृत्या वा द्विगौ इति, इन दोनों दृष्टि पद उत्तर पद में हो या वितस्ति पद उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को अपने स्वर का प्रकृत भाव हो जाएगा द्विगु समास के विषय में। पंच दृष्टि ही पंच वितस्ति ही, पंच दृष्टि ही पंच वितस्ति दोनों नाम विशेष है। दृष्टि वितस्ति प्रमाणे तेनात्र मात्र हुआ तो मात्र को लुक कर दिया गया है, यहाँ पक्ष में अंतोदात्तत्व रहेगा। सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व कालात, सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व कालात, सप्तमी प्रथम एक वचनांत है और होना चाहिए उसका अनुवृत्ति कर प्रथम तंत विधि कर दे सप्तम्यंतम कर देंगे। इसीलिए सिद्ध शुष्क पक्व बंधेशु सप्तमी वचन है, अकालात पंचमी का एक वचन है। अकालवाची वो अकालात जो पंचमी वचन है वो सप्तमी के साथ जुड़ेगा। अकालवाची सप्तम्यंतम प्रकृत्या सिद्धादिशु परेशु, अकालवाची सप्तम्यंत पूर्व पद में हो उसके प्रस्वर की प्रकृति हो जाएगा जब सिद्ध शुष्क और बंध इन चार में से कोई पद उत्तर पद में हो तो। सांकाश सिद्ध हो सांकाश इति न्यांत न्य प्रत्यांत न्यांत आतप शुष्क भ्राष्ट्र पक्व भ्राष्ट्र इति स्टन्नंत नित्र है ना स्टन होने से इसलिए दिखा रहे। चक्रबंध चक्र शब्दो अंतोदात्त वो अंतोदात्त है। अकालात किम पूर्वान्न सिद्ध पूर्वान्न सिद्ध पूर्वान्न शब्द कालवाचक है इसे नहीं लगेगा। कृत्स्वरेण बाधित सप्तमी स्वर प्रति प्रसूयते कृत्स्वर के द्वारा बाधित होने पर यह सप्तमी स्वर जो पुनर्विधान किया गया प्रति प्रसव है। सिद्ध शुष्क पक्व में क्ता प्रत्यांत है ना तीनों सिद्ध शुष्क पक्व क्ता प्रत्यांत होने से और बंद शब्द कहीं प्रत्यांत है। अतः थातादि सूत्र के द्वारा था स्वरेण तत्पुरुष तुल्यार्थ इत्यादि ना सप्तम्यंत से यह प्रकृति भाव सब प्रत्याद बैत और परित्वाद बैत हो रहा था तेन पुनर्विधीयते उसका पुनर्विधान कर दिया गया है। क्वचित कृस्वरेण बायत इति पाठ तथा कृदंत से यह स्वर थातादि लक्षण तेन ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा।
ये टीकाकार स्पष्ट कर दिए। परिप्रत्युपापा वर्जमाना अहोरात्रा वयवेशो परिप्रत्युपापा वर्जमाना अहोरात्रा वयवेशो परिप्रत्युपापा प्रथम बहुवचन है, शेष सप्तमी का एक वचन है। एते प्रकृत्या वर्जमान वाचिनी अहोरात्र अवयवाचिनी च उत्तरपद है। कहते हैं जो परि प्रति उप और अप ये चारों क्या है उपसर्ग है, इनको वर्जमान शब्द अथवा अहोरात्र अवयवाची शब्द के पर में रहते हुए पूर्व पद जो है उनकी प्रत्यादियों को प्रकृतवा हो जाएगा। परित्रिगर्तम वृष्टो देव वर्जमान त्रिगर्त देश को छोड़ के अर्थ है परिकर्त परिवर्जन है, त्रिगर्त देश को छोड़ के शेष जगह बारिश हो गया, देवता ने बारिश कर दिया। परि त्रिगर्तम वृष्टो देव परि यहाँ पर जो है त्रिगर्त जो वर्जमान देश वाचक शब्द है वही वर्जमान है, उसे छोड़कर बताना है आपने। उस देश को वर्जमान वस्तु हो गया त्रिगर्त और वर्जन बोधक हो गया परि, इनका समास है। तब वहाँ पर पूर्व कर दिया इसने प्रतिपूर्वान्नम और रात्र का वही पूर्वान्नम प्रति के योग उपपूर्वान्नम उपपूर्वरात्रम अपत्रिगर्तम ये सब दृष्टान दे दिया। परि प्रति उप अप चार है उपसर्ग आदिदाता ये सब उपसर्ग हैं, इसे सब आदिदात हो जाएंगे। बहुव्रीहि तत्पुरुष सिद्धत्वात् अविभावार्थम इदम् बहुव्रीहि तत्पुरुष समास में तो स्वतः सिद्ध थे ही, अतएव जो है अविभाव समास जो अप्राप्त कर लिए ये विधि कर दिया गया। अव परियोरेव वर्जमानम उत्तर पदम अप और परि ही वर्जन अर्थ वाले होते हैं, अप परि वर्जन सूत्र ही है, इसे अप और परि दो ही लेंगे वर्जमान के साथ समास करके दृष्टान्त में। तयोरेव वर्जमान अर्थत्वाद अहोरात्र अवयवापि वर्जमान एव तयोर भवंती, इस अहोरात्र के साथ जो समास करो वो भी वर्जमान रूपेण ही ग्रहण किया जाएगा। वर्जेत किम अग्निम प्रति प्रत्यग्नि बनाया अग्निम प्रति थी प्रत्यग्नि, यहाँ पर जो है वर्जमान अर्थ नहीं अग्नि को वर्जन करना नहीं है बल्कि अग्नि के पास जगह सेकना है। इति यहाँ तक टीका देख लीजिए। श्राज्य श्राज्यन का श्राज्य का नाम आदेशानाम ये तीनों आदेश हो गया, श्र अर्ज प्रशस्त के स्थान में से होता है और कर्ण जो है युवा और अल्प के स्थान में उद्देश्य हो जाता है तब कनिष्ठ बनता है। उत्तर पदत्व संभवात इनमें उत्तर पद होना संभव नहीं है तो अतएव सामर्थ्यात तद्वद उत्तर पदम गृहते तद्वान उत्तर पद ही लिया जाएगा, यदेश आदेश से युक्त जो उत्तर पद हो। इत्याह इत्यादेशवती इष्टे सुनो इष्टन और ये सुन के पढ़ते हुए प्रशस्त से श्रह पाँच साठ इकसठ और चौंसठ है ज्य च युवाल्पयो कनन्य त्रस्याम साठ इकसठ चौंसठ क्रम से है पाँच तीन का गमन सृष्टम इत्यादि मयूरवंश कायित्वात् राज दंतादित्वाद् वा विशेषण से परिपात अतः राजदंतादिगण में लग रहे विशेषण को परिपात कर देना। पापिष्ठमिति विन्मतोर लुक उदाहरण नपुंसक के भाव एकता हुआ है कहाँ गमन करे से उसमें पापिष्ठम और इधर लुट चाहिए थी भावेक लुट गमना में तदंतानी एतानी पूर्व पदानी लुड़ंत ही ये सब पूर्व पद को लेना लित स्वरणा ये सब आदिदात हुआ करते हैं। गम्यत्य अने नहीं थी कर्णाधिकरण स्थिति कर्णे लुट हुआ यहाँ रे सूत्र लगेगा नहीं कर्णाधिकरण में हो गए भाव अर्थ में नहीं है कर्ण अर्थ में के दिगेम मैंने कर्मदार ये दिगेम इत्यर्थ किमर्थम तो कुमारश्चित्य सूत्र ल कुमार शब्द पूर्व पदम प्रतिस्वरम स्यात् कुमार श्रमणा कुमारी श्रमणा इति समास के विक्रिय ही रहेगा कुमारी चसौ श्रमणा चैति कुमार श्रमणा। कुमार श्रमणादि भी सूत्र है दो एक उनहत्तर इसे समास हो गया। अरे वहाँ तो पुलिंग है कुमार सूत्र में विक्रय कुमारी अपने बनाया समास कैसे हो जाएगा यहाँ कहते लिंग विचित परिभाषया कुमारी शब्द से समासे पुंबद भाव
अंतदाति थे कुमार क्रीड़ायाम पचादेच कुमार धातु क्रीड़ार्थ में उसे पचादेच प्रत्यय हुआ अधिचित स्वर अंतदात है। अत्र कुमार श्रमणादिवित से ग्रहण प्रतिपदोक्तत्वा इस सूत्र का विषय हमेशा कुमार श्रमणादि गण सूत्र के द्वारा कृत समास को ही प्रतिपदोक्तत्व ग्रहण किया जाएगा। केचित् सर्वस्य कर्मधारे से ग्रहण इच्छन्ति कुमार शब्द के साथ श्रमणा से भिन्न से भी जो कर्मधार समास हुआ हो उनको भी लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। तथा च इसलिए कुमार ब्राह्मण इत्यत्र पूर्व प्रसुरत्तम मतभेदेन भवती मतभेद के अनुसार हो जाएगा। आदि ही आदिरिधि षष्ठ्यर्थे प्रथमा सूत्र में जो आदि है षष्ठ्यर्थ प्रथमा है। पूर्वत्र कुमार शब्द से प्रकृति भावेन यह स्वर प्राप्त स्वत्र आदर भवती सूत्रार्थ। पूर्व में सूत्र में कुमार शब्द को जब प्रकृति भाव से प्राप्त स्वर उसके बाद करके आदि में कर देगा ये एवं स्थिति फलितम्बा कुमार से आदर दत्त से पुगेशो गणवाचन उत्तर पदे कर्मधारे कुमार से आदर दत्तो वा स्यात् कुमार के आदि को उदात्त विकल्प हो जाएगा। गणवाचक उत्तर पद होनी चाहिए और कर्मधार समास हो। कुमार चातका चातक पूग शब्द चातका जो शब्द है समूहवाचक है पूगवाचक है। पूगा ग्रामणी पूर्वात इससे यह प्रत्यय हुआ 5312 और सब क्या हो गया तस्य तदराश भविष्य लुक इसे 2462 से वो लुक भी हो गया बचा ही नहीं। कुमारश्चित्येव भवति तत्र प्रतिपदोक्त ग्रहण पक्षे समास अंतोदात्तत्वमिति प्रतिपदोक्त सूत्र का एक कृत समास को लोगे कुमार श्रमणादि के द्वारा प्रतिपदोक्त समास को ही सूत्र का विषय बनाएंगे कुमार शब्द के साथ हो फिर तो वहाँ पर अंतोदात्ति रहेगा विकल्प से एक बार आदि कर दिया एक दूसरे बारे में अंत हो जाएगा। पंचारत्न यदि पंचारत्न प्रमाणम अस्येति तेजार्थ द्विगु समास है प्रमाणे लो जुगोर नित्याम इति मातृशुलुक हो गया। ये वार्तिक है आपका पृष्ठ संख्या 532 में पूर्व में जा चुका है। प्रमाणे लो जुगोर नित्यम ये मातृशुलुक पंचसु कपालेशु संस्कृता पंचसु भगालेशु संस्कृता पंचसु शरावेशु उद्धृत ये पंच कपाल पंच भगाल पंच शराव इन सब में तैतार्थे द्विगु समास हो गया। द्विगु में भी वो तैतार्थ पर समारे च सूत्र है वो करता है संज्ञा पर होती इसका नाम द्विगु हो जाता है। द्विगु और लुक गणपत्य इतने इससे प्राप्त जो हुआ था ना उसको इसने लुक कर दिया द्विगु और लुक गणपत्य 4188 पंचाश्वा थी पंचवीर अश्वयी क्रीत पंचाश्वा आर्यष्ठक प्रत्यय यहाँ पर पंचाश्वः और ठकों को क्या हो गया तो कहते तस्य अध्यर्धेति लुक 5128 अध्यर्ध उसे लुक हो गया। बहु शब्द पूर्व पदम प्रसुरम वा बहु अब प्रतीक ले लिया बहु शब्द पूर्व पदम प्रसुरम वा इगंतादि सूत्र पदेशु द्विगो इगंतादियों के ही उत्तर पद रहते हुए द्विगु समास के विषय में पूर्वेण नित्य प्राप्ति यहाँ पर विकल्प किया है विकल्प बहु शब्दों अंतदात्ते बही वृद्धो ये सूत्र धातु है उसे सूत्र ला रहे हैं लंगी बह्योर नलोपश्चा उणाई सूत्र है 1:29 का उसे कुप्रत्यय हो गया प्रत्यय स्वर्ण अंतोदात्त प्रत्यय स्वर्ण उसका अंतोदात कर दिया गया। पक्ष है समासांतुदात्त एक पक्ष में समासांत अंतोदात भी हो जाएगा। पूर्वज विग्रह प्रत्ययलुप प्रत्युदाहरणानि योजना पूर्व विग्रह प्रत्ययलुप और प्रत्युदाहरण आदियों को भी समझ लेना चाहिए। दृष्टि दृष्टि वितस्ती प्रमाणे तेन अत्र मातृशो प्रत्यय जो उसको लुप अत्रापि पक्षे अंतदातुम बोध्याम एक पक्ष में आयुदात हो गया एक पक्ष में अंतदात रहेगा। सप्तमी न्यांते थी वही क्षणादिशु एक सूत्र है वही क्षणादि लंबा सूत्र है 4280 17 प्रत्यय 17 गण गिनाया उन्हीं का एक बीच में से निकाल करके अपने आप बता संकाशादिभ्यो न्यः
सत्रह में शायद तीसरा है इंडिया और संकाश तीसरा गण है, इन्हें लगता है अलग सूत्र ही बना दिया, संकाश आदि ब्योण्या, उसमें से इसमें से एक एक निकाल के मिला करके बोल दी। स्टनंदे दी, यहाँ भी थोड़ा इन्होंने पाठ क्या छाप दिया है, मस्जिद है ना, मस्जिद इन आप जो पहले पढ़े हैं भ्रष जी, पीठ संख्या 19 सूत्र 599, पीठ संख्या 281 में आया है, 281 पीठ संख्या 599 19 सूत्र है, और चौथे पाद का पाद के अनुसार चौथे पाद के 150 सूत्र है, 4150 का है ये, वहाँ पर भ्रष जी पाठ है और ये मस्जिद ले रहे हैं, ये नीचे वाले भी भ्रष जी ले रहे हैं, ऊपर वाले गड़बड़ किए थोड़ा, शायद होना चाहिए भ्रष जी ठीक है कि दो तीन उड़ा पिछले सब्जेक्ट भ्रष जी है, इन्हें मस्जिद करके पाठ भेद कर दिया, मस्जिद गमी नमी हनी विश्यशाम वृद्धिश्चा इतिष्ठन, संयोग आदि लोप हुआ, भ्रष्ट प्रसिद्ध सत्वाम नित्वा आदिदात हो गया है, इसलिए विकल्प से अंतदात ही थी, क्रिया को द्वे च इति का प्रत्यांत प्रत्यस्वरण न, इति क प्रत्यांत प्रत्यस्वरेण क प्रत्यय हो जाएगा, चक्र बंधा में चक्र शब्द अंतदात, क्री धातु है ना वो चक्र, क्री को कार्य का प्रत्यय कर दो, क्रिया का और द्वे च क्री क्री ककरी करक्री कची ककरी चक्री हो जाएगा वो, फिर क प्रत्यय का बचैन हो गया चक्र बन गया, उसके लिए कह रहे हैं ये क प्रत्यांत प्रत्यय स्वरेण अंतदात हो जाता है। थातादि स्वर ने बाधित सप्तमी स्वर ही थी, थातादि स्वर के द्वारा जब बाधित हो रहा था तब ये सूत्र सप्तमी स्वर सूत्र अलग आरंभ करना पड़ा। सिद्ध शुष्क पकवानाम तान तत्वात और बंध से घयन तत्वात थातादि स्वरेण प्राप्त था, उसको बाद रहते गौण तत्पुरुष तुल्यार्थ इत्यादि के द्वारा सप्तम्यंत यह प्रकृत भाव स उसको प्रत्यात बाहित तेना पुनर्विधि उसका पुनर्विधान यह किया गया, थाता स्वर से प्राप्त था उसको बाध्य तत्पुरुष कृतार्थ ने उसको तुल्यार्थ ने उसको बाद करके जो है वर्तमान सूत्र पुनर्विधान प्रतिप्रसव कर दिया, पुनर्विधान कर दिया, प्रत्यात है वो छः दो दो का तत्पुरुष है, थाता स्वर पूर्व सूत्र है अतः उसे बाधित कर देता है, उसका भी बाद के लिए ये सूत्र ने अपवाद बन करके क्वचित तो कुछ लोगों का कहना है कृत स्वरेण बाधित का व्याख्या अलग बढ़ रही थी पाठ, उसे कृदंत से यह स्वर थातादि लक्षण तेना ऐसा अधिक अधिकार अर्थ अधिहार करके अर्थ करना पड़ा। परिप्रत्युपा परिप्रत्युपा अप हाँ यहाँ अप छोड़ दिया, अप ही बोलना चाहिए ना, उपाप उप अप इति प्रकृत्या से इन सब प्रकृति हो जाएगा, परित्रिगर्थम इति त्रिगर्थम वर्जित्वा इत्यर्थ, अप परिवर्जने यदि कर्म प्रवेश संज्ञा है पंचमे पांग परिवीति पंचमी विभक्ति अपरिबहिरंच व पंचमे इति अव्यभाव समास हुआ है, उस स्थिति के सूत्र है, बहुरी की अपेक्षा में नहीं करना, तत्पुरुष में भी प्राप्त नहीं है, स्वतः सिद्ध है वहाँ पर। प्रतिपूर्वान्नमिति अन्न पूर्वोक भाग इति पूर्वान्न, दिन के पूर्वा को पूर्वान्न कहते हैं, अन्न अन्न एतेभ्यः अन्न आदेश व अन्न वजंता अतिथिणत्व पूर्वान्नम प्रति, ये विक्रवाक क्यों जाएगा, लक्षण नाभि प्रति आभिमुख्यत अभिभाव समास हुआ, उप पूर्वान्नमिति पूर्वान्न से समीपाम ये विक्रवाक करूँगा, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि ना समीप्यर्थ अभिभाव समास हुआ, उप पूर्वरात्रमिति रात्रे पूर्व भागित पूर्वरात्र अन्न सर्वगदेशी इत्यत्र रात्रान्ना सगीति पुंस्त्वाम, और पूर्वरात्र से समीपम इति उप पूर्वरात्रम, यहाँ भी अभी विम विभक्ति समृद्ध से ही समास हो जाएगा समीपर्थ में, इन सब पूर्व पद का स्वर्ग प्रकसोर करने का अपने कहा पूर्व पद का स्वर क्या है, तब वो स्वर्ग आज जाता हा आज जाता नहीं पूर्व पदानी, समस्त पूर्व पद जो है चारों के चारों आज जाते हैं, बहुरी तत्पुरुष सिद्धत्वात कहा था उस पर बोल रहे सिद्धत्वात, कौन सूत्र सिद्ध है, बहुव्रियो प्रकृतिया पूर्व पदम तत्पुरुष तुल्या तृतीया सप्तम उपान अभ्य द्वितीया कृत्या इतने इन दोनों में पूर्व पद प्रतिभाव प्राप्त था, अतः उनको यह दृष्टांत बनाना नहीं है, दृष्टांत इसलिए भाव का ही करना है, ननु किम पुनः कारणम अपरियो रेव वर्जमान उदाहरण तो नेत्रियो वर्जमान अपर परी को ही
वर्जमान के साथ जोड़कर समास का दृष्टांत क्यों आपने दिया, बाकी से क्यों नहीं? उप और क्या है, उप और प्रति, अप और परिवर्जन में, अतः उप और प्रति को छोड़ दिया, उनको भी क्यों नहीं देते हो, ऐसा पूछ रहा है। तो जवाब अप परिवर्ति तेन त्रिगर्तम वर्जयित्वा इत्यर्थ है, उप त्रिगर्तम प्रति त्रिगर्तम इति न भवति, उस अर्थ में नहीं हो सकते, कि उपोगार्थ वर्जनार्थ नहीं, सामीप्यर्थ प्रसिद्धि है। इसे कहते वर्जित अप पूर्वान्नम परिपूर्वान्नम, अप और परि इनको छोड़ना पड़ा। अब आगे कालवाच्य में शंका कर रहा है, वही बात को दोबारा कर रहा है, पूर्वान्नम पूर्वरात्रम वर्जयित्वा इत्यर्थे, अपर अपपूर्वान्नम परिपूर्वान्नम, अपपूर्वरात्रम परिपूर्वरात्रम इति अवरात्रादेव अपपूर्योः कस्मान् नोधर्यन्ते, अप और परि के पूर्व में क्यों नहीं उदाहरण करते हो, इति आशंक्य आह अहोरात्रावयव इति अपि वर्जमान एव तयोर्भवति, अभी वर्जमान काल को ही लेकर के घटाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा था। वर्जमान इति वर्जमान ग्रहणेन एव सिद्धत्वात् न प्रत्यगदहर्ता इत्यर्थ, उसके द्वारा ये भी उदाहरण हो या काल को भी ले सकते हो, इस अलग से दोबारा नहीं कहा। वर्ज्यति किम, वर्ज्यति किम कहता है, वर्जमान अहोरात्रावयवेषु इति किम अग्निम प्रदीति लक्षणाभि प्रदीति, अभी भाव समास हुआ है यहाँ पर, अव्यय समास तो है यहाँ, इन अर्थ नहीं है, वर्जनाद्यर्थ नहीं है, इसे नहीं होगा। नीचे वाले टीका श्रजावमा अत्र श्रज का नाम पुत्र पद तो असंभव न सामर्थ्या तद्वतो ग्रहण तद्वान को ही लेना, वदिति तो पापे नहीं व संबद्ध, हाँ वत का जो है पाप मात्र संबंध कर देना, सबके साथ नहीं। एवंच श्रज कन इत्येति आदेशवती अवम शब्दे पाप शब्दवती च उत्तर पदे इति पाठ, पाठांतरं तो प्रामादिकम, इससे अतिरिक्त जो लोग अन्य व्याख्या करते हैं वो प्रामादिक है। गमन श्रेष्ठम इत्यादो मयूरवंश का इत्वाद विशेषण से परनिपातो राजदंतादित्वाद द्वा गमन पापिष्ठम इति पापवत शब्दात इष्टन, पापवत शब्द से इष्टन हुआ, अरविंद मोतर लुक से मतुप का लुक हो गया, तो पापिष्ठ बच गया। अन्यथा पाप शब्द से गुणोपसर्जद्रव्यवाचित्व भावात तथा स न स्याद, उस इष्टन प्रत्यय नहीं हो सकता था इति बोध्या। कुमारश्च कुमार शब्द पूर्व पदम तथा कर्मधारे इत्यर्थ, तथा उन्हें प्रगत हो जाएगा कब, कर्मधार समास या कौन से समास है उसमें भी कुमार श्रमणादिवृत्ति समास से ही ग्रहणम, क्यों प्रतिपदोक्तत्व इति केचित, अन्य तो सर्व कर्मधार ग्रहण कर रहे हैं। एवंच कुमार ब्राह्मण इत्यादि प्रवर्तते पूर्व प्रतिस्वर के भाव की प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। सप्तम ईश्वर हो वेदो वा आया तत्व, अर्थ ले रहे ना ईश्वर वा, समझ रहा जी, कुमार ब्राह्मण, कुमार ब्राह्मण में अर्थ लेना पड़ेगा, उसका तात्पर्य है कुमार होते हुए वो ईश्वर के समान हो गया, या कुमार समस्त वेदों को रट लिया, ऐसे कुछ फिर तात्पर्य लेना पड़ेगा, कुमार ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य इसमें ले जाना है। आदि प्रत्ययन सी आदिरिधि षष्ठ्यर्थे प्रथमा कुमार शब्द प्रकृति स्वरेण यत् स्वर का प्राप्त स स्वर आदिरिधि सूत्रार्थ, प्रकृति स्वर से प्राप्त अंतोदात्त वह स्वर आदि उदात्त हो जाएगा, ये तात्पर्य। फलितम महा कुमार से आदिरिधि एतन उदात्ताधिकार अभावाद इदम असंगतम इत्यपास्तम, या उदात्त का अधिकार है नहीं, या कहाँ से लाए उदात्त, ये जो विचार था वो खंडित हो गया, जो था वही आदि होगा, वैसे तो नहीं, जो अंत में क्या था उदात्त था वो आदि में होगा, इसे उदात्त का कोई अधिकार या अनुवृत्ति किसकी जरूरत नहीं है, और सूत्र में बोलने की भी जरूरत नहीं है, प्रकृति स्वर जो है सो वही रहेगा, लेकिन उसको जो अंत में तो उसको आदि में करना है, अंत में उदात्त हो रहा था वही अब आदि में हो गया केवल। पूगेश्विति पूगो मैंने गणा तदवाचन उत्तर पदे कर्मधारे कुमार से आदिदात्तो वाइत्यर्थ कुमारश्चित्येव इति प्रतिपदोक्त ग्रहण पक्षे समासांत उदात्तत्वं बोध्यम्, प्रतिपदोक्त समास जो कुमार श्रमणादि भी उसी को यदि लेते हैं
फिर तो समास अंतदात पक्ष में हो जाएगा। पंचार्थ निरृति तरितार्थे द्विग समास है, प्रमाण लो द्विगोर नित्यम इति मातृशो लोप हो गया। पंचार्थ इत्यादो अंतर्गतवाद पूर्व पद प्रकृत स्वर पश्चात विभक्ति निमित्त कार्य करना पड़ेगा। अकृति परिभाषा तो नास्ति कि अनित्यावा इति असकृदावेतद असकृद आवेदितम। हम कई बार बता चुका हूँ ये अकृति परिभाषा अनित्य है, अनित्यावा इति असकृद आवेदितम। या विश्राम होना चाहिए इसकी बात। किंच स्थानिवत्वेन निमित्त विनाश अभावात्, स्थानिवत भाव से निमित्त का वास्तव विनाश भी नहीं है, तत्सत्वे न दोष, इसे परिभाषा लगा भी दो तो भी कोई दोष नहीं है। न च स्वरे न, स्वर में नहीं लगेगा इति निषेध इति न, लोप अजादेश सेवत्य निषेधात्, लोप के स्थान में जादादेश कार्य होगा वहीं पर इसको निषेध किया अन्यत्र नहीं। काल ग्रहण न काल वाचकन ग्रहणम तदा दशमासी इत्यादि पंचकपाल इत्यादि पंचसुकपालेशु भगालेशु संस्कृत इत्यर्थ में दिगोर्लुगणपत्ये तिलुक् पंचु शरावशु उद्धृत इस तत्रोद्धृतम, ऊपर वाले ने नहीं बताया तीन विद्या सूत्र तत्रोद्धृतम इति अणो, उस अण को लुक कर दिया दिगोर्लुगणपत्ये ने ही। चार दो तेरह पंचमी रश्मी कृत इति अध्यर्धे इति ठक को लुक हो गया। भवन दर्श्याम इगंते इति प्राप्ति भाषय स्वरितयोरिति भवति इति पक्ष अंतोदात्तम बोध्यम। पंचवितस्तिरिति मातृचौलुक द्वेषचोवा अथवा द्वेषचोवा अकालादित पंचमी प्रथमार्थ है। पंचमी जो हुई ये भी प्रथमार्थ, प्रथमांत के साथ प्रथमांत का विशेषण विशेष वाक कर दिया। कृत्य में क्या कहा था इसीलिए उन्हें अकालवाची सप्तम्यंतम, अकालात पंचमी को प्रथमा है वहाँ पर, इसलिए अकालवाची यत सप्तम्यंतम तत् ऐसा ग्रहण किया जाएगा। न्यांत यदि तेन अंतोदात्त इत्यर्थ, न्यो प्रत्यंत से अंतोदात्त है, अकालादिति पंचमी प्रथमार्थ है, न्यांत तेन अंतोदात्त इति कृस्वरेण इति कृन निमित्तकेन इत्यर्थ, कृन निमित्तक स्वर तथा च ताथादि सूत्रेण बायतित फलितम, ताथादि सूत्र के द्वारा बायत हो गया, उसको पुनर्विधान करने लिए सूत्र ही आरंभ हुआ है। त्रयाणाम तांतत्वात् बंध से घयन तत्व थाताज स्वर प्राप्त था। परिप्रत्युपाप इतारभ्य पंचसूत्राणी द्वंद्व अविभाव विषयाणी, द्वंद समास और उसमें भी अविभाव समास दो ही को लेना है, पांच सूत्रों तक द्वंद्व और अविभाव में घटाने के लिए। वर्तमान में तो सब अविभाव ही लिया ना इस सूत्र का, सब अविभाव ले लिए। परित्रिगर्तम इति अत्र पर्य पर्यपयोः अपपरिवर्जन इति कर्मरचनीयत्वात् तद्योगे पंचमी है। अपपय बहिरांच इत्यभिभाव समास वा प्रतिपूर्वान्ति लक्षणेनापि प्रति से समास है, उपपूर्वे द्वयम् विभक्ति इत्यासु समास होता है। वर्जमान एव तयोर कालवाचक के साथ भी वर्जमान उन्हीं दोनों को लेकर समास ग्रहण करना है, अतो न पृथक उदाह्यते उदाह्यन्ते इति भाव, अतो न पृथक उदाहरियंत इति भाव। प्रत्युदाहरण में अग्निम प्रतीति इति विग्रह है, प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति इत्यादो मा भूत। प्रत्यग्नि प्रयोग हुआ मैंने अग्नि की ओर जा रहे हैं, अग्नि को वर्जन नहीं कर रहे बल्कि अग्नि की ओर ही अग्नि में घुस गए, जल के मर जाते बेचारे शलभ तो। क्वचित तथ्य पाठ, कुछ लोग तो यही पूरे रख दिए पाठ को।